हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSFASIELTS मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मिनी मॉक टेस्ट 1 जो कराया गया था उसका इंग्लिश का पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। इसमें आपका सभी चीजें जो लगभग पूछा जा रहा है सभी चीजों को मैंने ऐड करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट कराए जाएंगे मोबाइल जो बेस्ड ऑनलाइन रहेंगे उसमें इंग्लिश में पैसेज नहीं ऐड करेंगे, पैसेज अलग से जो है आपको टेलीग्राम में मैं दे दूंगा ताकि आप उसका क्या करें प्रिंट निकाल के प्रैक्टिस करें, ठीक है। पैसेज जो है मोबाइल में उतना क्लियर नहीं दिखता है, तो पैसेज जो रहेगा पैसेज आपको मैं अलग से टेलीग्राम चैनल जो CSFASIELTS फ्री वाला है वहां पे दे दिया करूंगा, पैसेज का प्रैक्टिस आप वहीं से करना, ठीक है। बाकी चीजें जो है आपको इंग्लिश का सिनोनिम एंटोनिम कहाँ पे एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब इन सब चीज में जो फॉल्ट कमियां होती हैं, ठीक है, वॉयस हो गया नरेशन ये सब मोबाइल में तो हो जाता है लेकिन पैसेज जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से पैसेज अगली बार से ऐड नहीं किया जाएगा टेस्ट में, ठीक है। अलग से उसका टेस्ट के लिए आपको मैं PDF दे दिया करूंगा और उसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है कि फाइंड आउट इन विच पार्ट एरर। एक सेंटेंस दिया गया है, हमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है। क्या है? My mother generally read the local newspaper to keep abreast of the local news. Abreast of का मतलब होना कि ज्ञान में होना, किसी चीज का मतलब जानकारी होना। My mother generally, कौन सा वर्ड प्रयोग हुआ है? Generally यानी कि सामान्यता। जब generally वर्ड आपका प्रयोग होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट का। और माय मदर क्या है? सिंगुलर है। क्या सिंगुलर है? तो इसके साथ जो है सिंगुलर नाउन के साथ जो है हमारा वर्ब भी क्या आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं? एस या ईएस जोड़ते हैं। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या किया जाता है? एस या ईएस जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यानी हमारा फॉल्ट कहाँ पे हो जाएगा? हमारा फॉल्ट जो हो जाएगा यहाँ पे रीड, ये क्या होना चाहिए था? रीड्स होना चाहिए था। क्या? माय मदर जनरली रीड्स द लोकल न्यूज़पेपर टू कीप एब्रेस्ट ऑफ द लोकल न्यूज। तो आपका दूसरा जो पार्ट है ऑप्शन है ये इसका हो जाएगा। फाइंड आउट इन विच पार्ट एरर। All our furnitures were spoiled in the recent rains and floods. इसमें कह रहा है कि इसका सभी फर्नीचर जो है स्पॉइल्ड हो गए, खराब हो गए, बेकार हो गए लास्ट बाढ़ और वर्षा में। तो देखिए, आपको मैंने बताया था जैसे सीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, हेयर हो गया, इन सब को हम प्लूरल में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा मिस्टेक जो है यस नहीं होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए? फर्नीचर। ऑल आवर फर्नीचर वेयर स्पॉइल्ड इन द रिसेंट रेन्स एंड फ्लड्स। यू आर, यहां पे आपको प्रोनाउन का प्रयोग करना है फिल इन द ब्लैंक्स में। आपको चार प्रोनाउन दिए गए हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। आप जो है इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं, इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आ जाएगा? योर सेल्फ। क्या हो जाएगा? योर सेल्फ। यू आर योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। द काइट वॉज स्टक सो हाई ऑन द ट्री। स्टक मतलब होता है फंसना। क्या? फंसना। कहाँ पे? बहुत ऊंचा पेड़ पे। दैट इट वॉज द रीच ऑफ द बॉयज। मतलब कि जो पतंग है पेड़ पे बहुत ऊंचाई पे फंस गया, इस वजह से वह बच्चों के, तो क्या है? बिसाइड। बिसाइड का अर्थ क्या होता है? बगल में। क्या? बिसाइड हम किस किस लिए प्रयोग करते हैं? बगल में के लिए प्रयोग करते हैं। बिलो नीचे के लिए प्रयोग करते हैं। बीनीथ भी नीचे के लिए प्रयोग किया जाता है।
तो बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है पहुंच से दूर होना, क्या पहुंच से बाहर होना। तो हमारा जो सही हो जाएगा बियॉन्ड का प्रयोग होगा, क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में यही कहना चाह रहा है कि पतंग जो है पेड़ पे बहुत ऊंचाई में फंस गया जिससे वह बच्चों की पहुंच से बाहर था। यहाँ पे क्या है, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग, यानी हमें क्या बताना है, सिनानिम बताना है। तो एम्पल का मीनिंग क्या होता है, एम्पल का मीनिंग जो होता है बहुत ज्यादा, प्रचुर, पर्याप्त। तो देखिए सफिशियंट, सफिशियंट का अर्थ भी होता है पर्याप्त, नैरो मीन्स सकरा, मीगर, मीगर मीन्स कमी होता है आपका, अल्प तुच्छ, शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स छोटा या कमी, मीगर मीन्स आपका अल्प तुच्छ। नेक्स्ट सेम है आपका, हमें सिनानिम ही बताना है, प्रूडेंट, प्रूडेंट का अर्थ होता है जो विवेकफुल होता है, क्या जो विवेकी होता है, कुछ चीजों को सोचता है। तो कॉशियस सतर्क हमारा सही हो जाएगा, रेकलेस लापरवाह, रूड, रूड का अर्थ होता है असिस्ट, हैस्टी बहुत जल्दबाजी में। दो सिनानिम ऐड किया गया था इसमें और दो एंटानिम, यहां पे हमें क्या बताना है, एंटोनिम यानी कि अपोजिट बताना है। कॉन्सिएटेड का अर्थ होता है आपका अभिमानी, घमंडी, क्या कॉन्सिएटेड मीन्स होता है अभिमानी, घमंडी। प्राउड, प्राउड मीन्स होता है गर्व करना, सुपीरियर, सर्वश्रेष्ठ। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मीन्स तुच्छ, मामूली। तो यही हमारा एंटानिम हो जाएगा। वेन, वेन का अर्थ होता है गो इन वेन, आप देखते होंगे कई बार जैसे हम कहते हैं हमारा जो है मेहनत बेकार चला गया, तो क्या वेन, व्यर्थ चला गया, बेकार चला गया। वेन का प्रयोग क्या इसके लिए होगा, व्यर्थ के लिए होगा। मैलिस, मैलिस का अर्थ होता है अस्वस्थ, क्या अस्वस्थ। डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब दुखी, सिकनेस रोग, हेल्दी स्वस्थ। इनर्वेशन, इनर्वेशन का अर्थ होता है दुर्बलता, कमजोरी, इनर्वेशन मीन्स क्या हो जाएगा, दुर्बलता, कमजोरी। ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर इन नीड, एक व्यक्ति जो दूसरों का जरूरत में सहायता करता है उसे क्या कहते हैं, समेरिटन। दो आपका वन वर्ड्स ऐड किया गया था, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस, मतलब ऐसा यंत्र जिससे ऊंचाई मापा जाता है, क्या ऊंचाई। थर्मामीटर तापमान के लिए, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, क्रोनोमीटर समय मापने के लिए, अल्टीमीटर हाइट यानी ऊंचाई मापने के लिए। तो यही हमारा सही हो जाएगा, अल्टीमीटर। फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, पहला क्या है, सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट का सही स्पेलिंग क्या होता है, CERTIFICATE, सर्टिफिकेट। सेलिब्रेट का CELEBRATE, क्या हो जाएगा, सेलिब्रेट का CELEBRATE। कैटलॉग यू हमारा सही है, कल्पेबल CULP के बाद ई नहीं ए आता है, कल्पेबल, कल्पेबल, ठीक है। कल्पेबल का अर्थ होता है सदोष, क्या जिस पे दोष जिसका शामिल हो, मतलब वो दोषी हो। फाइंड द बेस्ट मीनिंग ऑफ इडियम, दो इडियम शामिल किया गया था इस टेस्ट में, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का अर्थ होता है बहुत बाल बाल बचना, मतलब नैरो मार्जिन से, बाय ए वेरी नैरो मार्जिन, बाल बाल बचना। अगला इडियम है हमारा जंप द गन, जंप द अन का अर्थ, गन का अर्थ होता है एक्टेड हेस्टिली, एक्टेड हेस्टिली मतलब बहुत जल्दबाजी कर देना, कोई चीज मतलब करना था बाद में लेकिन उसको बहुत पहले ही बोल देना, कह देना या कर देना, बहुत जल्दी कोई सी चीज का फैसला ले लेना।
फाइंड आउट टेंस इन गिवन सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस दिया गया है इसमें हमें टेंस बताना है। आई बॉट 4 dozen मैंगोज, यहाँ पे क्या है, बॉट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बाई बॉट बॉट वर्ब का सेकेंड फॉर्म आप किस में यूज करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में, क्या पास्ट इंडिफिनिट में, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट में आप क्या करते हैं, सिर्फ एस या यस का प्रयोग करते हैं, निगेटिव रहता है तब डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट वर्ब का सेकेंड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा क्या, हैव या हैज का प्रयोग हुआ है क्या, नहीं हुआ है। पास्ट परफेक्ट होगा क्या, हैड का प्रयोग आपने किया क्या, नहीं, हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट। एक क्वेश्चन आपका PQRS से भी शामिल किया गया था, क्या कह रहा है, द ब्रेन इज एक्टिव टू, देखिए क्या, द ब्रेन इज एक्टिव टू ड्यूरिंग स्लीप, यानी जो मस्तिष्क भी सक्रिय होता है नींद के दौरान, सेंडिंग मैसेजेस फॉर द हार्ट टू बीट रेगुलरली, हृदय को संदेश भेजते रहता है कि लगातार धड़कने के लिए। However, the body utilizes the sleeping time effectively, चाहे जो भी हो, however का मतलब जो भी हो, the body, शरीर जो होता है utilize, उपयोग करता है the sleeping time, so जो हम लोग, जो समय हम लोग सोते हैं, effectively, यानी कि अच्छी तरह से, we spend प्रभावी रूप से, इफेक्टिवली को आप प्रभावी रूप से भी बोल सकते हैं, अच्छे रूप से भी बोल सकते हैं, वी स्पेंड अबाउट 1/3 ऑफ आवर टाइम स्लीपिंग, हम क्या करते हैं, अपने समय का 1/3 स्लीपिंग में जो है खर्च करते हैं। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी एंड रिलीजेस हार्मोन, यह प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करता है ऊर्जा और हार्मोन का श्रावण करता है, फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ, मरम्मत और वृद्धि के लिए ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान। तो देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन से देखिए कहाँ कहाँ से स्टार्ट है, ए बी सी से स्टार्ट है तीन जगह पे, तो ए बी सी से हम, ए से क्यों नहीं, आप देखिए यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे द ब्रेन इज एक्टिव टू, यानी इसके पहले कोई बात कही गई है, तो ए से नहीं करेंगे, बी से आएंगे देखेंगे, हाउ एवर द बॉडी यूटिलाइजेस द स्लीपिंग टाइम, यानी हाउ एवर चाहे जो भी हो, जैसे हम कब कब कहते हैं चाहे जो भी हो, जब कोई बात पहले कह लेते हैं, जैसे मान लीजिए कह दिए कि चीनी मतलब रहने से शुगर होता है, फिर कहते हैं चाहे जो भी हो हम, लेकिन पीना तो पड़ेगा ही, क्या चाय तो पीना ही पड़ेगा, जैसे बोल देते हैं, तो ए हाउ एवर से भी नहीं करेंगे, हम सी से करेंगे, वी स्पेंड अबाउट 1/3 ऑफ आवर टाइम स्लीपिंग, हम अपने समय का 1/3 सोने में खर्च करते हैं। फिर क्या हो जाएगा, हाउ एवर जो भी हो, द बॉडी यूटिलाइजेस द स्लीपिंग टाइम इफेक्टिवली, जो हमारा शरीर होता है सो जो समय हम सोते हैं उसको अच्छे तरह से उपयोग करता है। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, किसके बारे में कह रहा है, हमारे बॉडी के बारे में कह रहा है, क्या हमारे बॉडी के बारे में, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, हमारा शरीर ऊर्जा उत्पन्न करता है, और हार्मोन का श्रावण, रिलीज मतलब छोड़ना या श्रावण करता है, किसके लिए, मरम्मत और ग्रोथ वृद्धि के लिए रात के दौरान। फिर द ब्रेन इज एक्टिव टू, फिर क्या कह रहा है, हमारा मस्तिष्क भी सक्रिय होता है जब हम सोते हैं, ड्यूरिंग स्लीप जब हम सोते हैं, सेंडिंग मैसेजेस, मैसेज संदेश भेजता है हृदय को लगातार धड़कने के लिए, हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4th ऑप्शन CBDA, हमें इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, किसमें, डायरेक्ट स्पीच में, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस में है, क्या प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका मतलब जब हम इसको ले जाएंगे डायरेक्ट स्पीच में तो ये प्रेजेंट में ही रहेगा,
जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहता है तो प्रेजेंट में ही टेंस इनडायरेक्ट में भी रहता है, क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में प्रेजेंट में, और यहाँ पे आर का जो है आर ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा माई फ्रेंड्स से, हम ऑप्शन देखिए क्या क्या है, माई फ्रेंड्स आर सेइंग लिखा है, क्या आर सेइंग ए आपका गलत है, यहाँ पे माई फ्रेंड सेड लिखा है इस वजह से गलत है, माई फ्रेंड्स से मेनी यंग पीपुल वेयर के कारण गलत है। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको कमियां पता करनी है कि किस कारण से गलती है, यहाँ भी वेयर यहाँ भी वेयर, इस कारण से ये दोनों गलत हो जाएंगे, यहाँ सेड का प्रयोग कर दिया, हमारा सही क्या हो जाएगा माई फ्रेंड से मेनी यंग पीपुल आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया नाउ, हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो यहाँ पे आपका देखिए दिया है माई ब्रदर सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा माई ब्रदर आस्क्ड मी, क्या माई ब्रदर सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देंगे, हमारा हैव से प्रश्न स्टार्ट हो रहा है तो इफ का प्रयोग कर लेते हैं, किससे पूछ रहा है माई ब्रदर सेड टू मी, मुझसे कह रहा है तो यू की जगह क्या हो जाएगा आई, इफ आई, और हमारा ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, अगर यहाँ पे पास्ट टेंस है तो इस प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इफ आई हैड रीड द न्यूज़पेपर टुडे का दैट डे। बाकी कमियां कैसे आप निकाल सकते हैं, देखिए कमियां निकालिए, जब आप देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में था तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे क्या होना चाहिए हैव का प्रयोग नहीं होना चाहिए, सॉरी हैव का प्रयोग तो सही है, एक मिनट, हैव का प्रयोग गलत है, सॉरी हैव नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या ये टूडे नहीं होना चाहिए, दैट डे होने चाहिए, यहाँ पे भी टूडे नहीं होना चाहिए, दैट डे होना चाहिए, और हैव भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, माई ब्रदर आस्क्ड मी इफ आई हैड रीड द न्यूज़पेपर दैट डे, दिस ब्यूटीफुल स्टोरी, इसको हमें एक्टिव वॉइस में बदलना है, तो यहाँ पे देखिए क्या है वाज है तो वाज, और ये पैसिव वॉइस में है तो जब ये एक्टिव वॉइस में जाएगा तो ये किसमें चेंज हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, किसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, माया हमारा सब्जेक्ट बन जाएगी तो माया क्या हो जाएगा माया, और ये क्या हो जाएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्या वर्ब का सेकेंड फॉर्म, माया रोट दिस ब्यूटीफुल स्टोरी, क्या हो जाएगा माया रोट दिस ब्यूटीफुल स्टोरी, बाकी कमियां देखिए क्या क्या है, ए प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं होना चाहिए, ए वाज प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस भी नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी नहीं होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट होना चाहिए, पास्ट इंडिफिनिट को जब हम पैसी मतलब एक्टिव से पैसी में बदलते हैं तो किस में बदलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में है वाज का प्रयोग किया गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी आपका फिर से इसको पास्ट इंडिफिनिट में कर देंगे, डू नॉट बाई मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन, तो जब आपका सलाह का बोध हो क्या एडवाइज का तब आप वहां पे शुड नॉट का प्रयोग करेंगे, क्या जहां पे एडवाइज या सलाह का बोध होता है वहां पे शुड नॉट का प्रयोग करना चाहिए, क्या हो जाएगा मेडिसिन शुड नॉट बी बॉट विदाउट द डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन, हमें यहाँ पे एप्रोप्रिएट आर्टिकल यानी उचित आर्टिकल का प्रयोग करना है, देयर इज आवरली ट्रैम सर्विस ऑन दिस रोड, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होगा वह हिंदी का क्या होगा स्वर होगा आवरली, तो इस वजह से इसके पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, यहां हमें करेक्ट सेंटेंस का पता करना है कि इन चारों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और क्या गलती है,
तो देखिए क्या लिखा हुआ है पहला सेंटेंस में, आइदर प्रमोद आर नरेंद्र हैज लर्नड देयर लेसन, नहीं होगा क्या, देयर लेसन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे देयर लेसन नहीं होगा, आइदर प्रमोद आर नरेंद्र हैज लर्नड हिज या हर लेसन, क्या हिज लेसन, हिज हर नहीं होगा, क्या होगा, हिज होगा, क्या होगा, हिज लेसन, थ्री चिल्ड्रन लव ईच अदर, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे लव वन एनदर का प्रयोग होगा, दो से अधिक व्यक्ति रहेंगे तो लव वन एनदर का प्रयोग होगा, ये यहीं तक है। आइदर रमेश आर सीता हैव लेफ्ट देयर टिफिन बॉक्स, देयर नहीं होगा यहाँ पे, आइदर रमेश आर सीता हैज, हैज का प्रयोग होगा, हैज लेफ्ट फिर दिस टिफिन बॉक्स, क्या दिस टिफिन बॉक्स, हमारा ये सही है, दिस इज द सेम शर्ट दैट आई सा इन द शॉप, यहां पे हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। पहला यहां पे सेंटेंस क्या है, ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करना है, क्या डबल सुपरलेटिव का प्रयोग की वजह से ये गलत हो गया, द क्लाइमेट ऑफ अलवर इज हॉटर देन, हम किसकी तुलना कर रहे हैं, क्लाइमेट के, अलवर के क्लाइमेट की तुलना कर रहे हैं, तो देन दैट ऑफ जयपुर होना चाहिए, क्या हॉटर देन दैट ऑफ जयपुर, ना कि देन जयपुर, हम जयपुर से नहीं कर रहे हैं, जयपुर के क्लाइमेट से कर रहे हैं, राम इज मोर, यहाँ पे डबल आपका कंपेरेटिव नहीं होना चाहिए, राम इज स्ट्रॉन्गर देन इंटेलिजेंट, ये आपका सही है, दिस बिल्डिंग इज लार्जर देन एनी अदर बिल्डिंग इन द टाउन, इस कारण से यह सही है। यहां से पैसेज है, पैसेज को कुछ देर में इसको बनाते हैं, थैंक यू। इस वीडियो में हम लोग पैसेज का पार्ट देखने वाले हैं मिनी मॉक टेस्ट का, क्वेश्चन सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को देखना है, क्या कह रहा है कि जिराफ फीडिंग इज फास्टर व्हेन इट फीड्स विद इट्स नेक्स, तो जिराफ का जो भोजन करने का फीडिंग क्या होता है, भोजन जो होता है तेज कब होता है, फास्टर व्हेन इट फीड्स विद इट्स नेक, यानी जब वह अपनी गर्दन से फीड करता है, ठीक है, तो किस स्थिति में वह तेजी से करता है, तो क्या कह है, देखिए बेंट यानी कि जब मुड़ा हुआ हो, इलोंगेटेड जब लंबा हो, स्ट्रेट सीधा हो, इंटेंजल्ड इस तरह से हो। फिर 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, द लार्जेस्ट मेल जिराफ यूजुअली विंस द बैटल्स एंड डज मोस्ट ऑफ द ब्रीडिंग, जो लार्जेस्ट यानी कि आपके बड़े मेल जिराफ होते हैं यूजुअली अधिकतर जो है क्या युद्ध जीतते हैं और अधिकतर ब्रीडिंग करते हैं, जिराफ्स लॉन्ग नेक्स आर द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड स्ट्रेचिंग ओवर द ईयर, जो जिराफ का लंबा गर्दन है लगातार वर्षों तक खिंचाव के कारण है, जो उनका गर्दन है लंबा लगातार खिंचाव के कारण है, द जिराफ कैन ईट लीव्स फ्रॉम द अपर रीचेज ऑफ ए ट्री वेयर अदर एनिमल्स कैन नॉट रीच, जो जिराफ होता है वह पेड़ की ऊपरी पत्तियों की भी खा सकता है जहां पर सामान्य जानवर नहीं पहुंच पाते हैं, ए जिराफ हिंड लेग्स आर लॉन्गर देन इट्स फोर लेग्स एंड हेल्प इट टू द बेंड, जो जिराफ का पिछला पैर होता है बड़ा होता है तुलना में आगे वाले पैर के और वह मुड़ने में यानी झुकने में मदद करता है, हाउ डज ए जिराफ नॉक इट्स अपोनेंट ऑफ बैलेंस और अनकॉन्सियस, जो जिराफ होता है
कैसे अपने विरोधी को ऑफ बैलेंस यानी स्थिति जो है कैसे लड़खड़ाता है या बेहोश करता है। By pulling the legs of the opponent, विरोधी के पैर को खींच के, by using its head as a club and hitting the opponent, अपने सिर को क्लब की तरह यूज करके और विरोधी को चोट पहुंचा के, कैसे प्रहार करके चोट करके, by hitting the opponent's neck, chest and ribs, विरोधी के कैसे नेक पर, गर्दन पे और रिब्स को चोट करके, by indulging its neck in the opponent's neck, अपने गर्दन को विरोधी के गर्दन में फंसा के। तो ये तीन क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं, पैसेज पढ़ा जाएगा तो समझ में आएगा। क्या है, द जिराफ इज द टॉलेस्ट लैंड मैमल अलाइव, जो जिराफ है सबसे लंबा जीवित प्राणी है। मैमल मीन्स स्तनपाई, सबसे लंबा जीवित स्तनपाई प्राणी है। इट्स लॉन्ग लेग्स एंड नेक्स कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स इम्प्रेसिव स्टेचर, इसका जो लंबा पैर और गर्दन है इसको प्रभावी कद प्रदान करते हैं। इम्प्रेसिव मीन्स प्रभावी, स्टेचर मीन्स कद, कंट्रीब्यूट मतलब प्रदान करना। मेल्स कैन बी अप टू 18 फीट, जो मेल होते हैं 18 फीट तक ऊंचे होते हैं और फीमेल्स थोड़ा कम होती हैं। इन द वाइल्ड, जंगल में, दीज ब्यूटीफुल क्रिएचर्स, एक खूबसूरत प्राणी, स्ट्रेच देयर नेक्स, अपने गर्दन को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। बियॉन्ड दोज ऑफ एंटीलोप, एंटीलोप मीन्स होता है हिरण, कुड्डू एक तरह का जानवर है, एंड इवन एलिफेंट, यहां तक कि हाथियों की तुलना में भी, टू स्ट्रिप लिप्स फ्रॉम द अनटस्ट अपर रीचेज ऑफ ट्रीज, बियॉन्ड का मतलब है वहां तक पहुंच जाते हैं इनके गर्दन जहां तक इन जानवरों का नहीं पहुंचता है, ठीक है, पेड़ पौधों के ऊपरी पत्तियों को जो स्पर्श रहित रहता है। द फ्रेंच जूलॉजिस्ट जीन बैप्टिस्टे लैंडमार्क इज यूजुअली क्रेडिटेड एज द फर्स्ट पर्सन, फ्रेंच, फ्रांस के व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, फ्रेंच जूलॉजिस्ट कौन थे, जीन बैप्टिस्टे लैंडमार्क, इनको श्रेय जाता है, क्या, क्रेडिटेड मतलब श्रेय दिया जाना, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, टू सजेस्ट, सलाह दिया था, सुझाव दिया था, द लॉन्ग नेक्स हैव इन्वॉल्व नहीं होगा, ये इवॉल्व होगा, क्या, इवॉल्व, इसको आप सही कर लेंगे, EVOLVED, उन्होंने सुझाव दिया था कि इनका लंबा गर्दन विकसित क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, इन जिराफ्स बिकॉज दे अलाउ देम, क्योंकि वे अनुमति देते हैं, टू गेट द पार्ट्स अदर हर्बिवोरस कैन नॉट रीच, जो अलग शाकाहारी अपने शरीर को अनुमति नहीं देते हैं, ये उस पार्ट को भी क्या करते हैं, अनुमति देते हैं। एज द जिराफ लिव्स इन प्लेसेस वेयर द सॉइल इज नियरली ऑलवेज एरिड एंड बैरन, अधिकतर जिराफ जहां रहते हैं वहां का मिट्टी कैसा होता है, शुष्क, यानी पानी कम होता है और बंजर, बैरन मीन्स बंजर। इट इज ऑब्लिग्ड टू ब्राउज ऑन द लीव्स ऑफ ट्रीज एंड टू मेक कॉन्स्टेंट एफर्ट टू रीच देम, वो क्या करते हैं, हमेशा पत्तियों को, पेड़ के पत्तियों को क्या करते हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं, to make constant efforts to reach them, वहां तक पहुंचने के लिए। He wrote in his 1809 book, उन्होंने ऐसा किस में लिखा था, Philosophic Zoology में लिखा था, From this habit long maintained in all its race, यह इनका आदत क्या हुआ,
लंबे समय तक मेंटेन रहा उनकी जातियों में, इट हैज रिजल्टेड दैट, जिसका परिणाम यह रहा कि द एनिमल्स फोर लेग्स हैव बिकम लॉन्गर, उनका आगे का पैर लंबा हो गया और पीछे तुलना में, क्या आगे का पैर लंबा हो गया पीछे की तुलना में। एक जगह हम लोगों ने देखा था जहां पे लिखा था ऑप्शन में कि पीछे का पैर लंबा है आगे का पैर छोटा है, तो इस वजह से वो ऑप्शन गलत था, ठीक है। एंड दैट इट इज नेक इज लेंथेंड, और इनका गर्दन क्या हो गया, लंबा हो गया। तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पे है वो क्वेश्चन, कराइ विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो देखिए यहाँ पे है आपका, जिराफ्स लॉन्ग नेक्स आर द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड स्ट्रेचिंग ओवर द ईयर, तो ये चीज आपका सही था, ये चीज भी आपने देखा। द जिराफ कैन ईट लीव्स फ्रॉम द अपर रीचेज ऑफ ए ट्री वेयर अदर एनिमल्स कैन नॉट रीच, ये चीज भी आपका सही है, ये चीज गलत है। देखिए लिखा हुआ था ए जिराफ हिंड लेग्स आर लॉन्गर, जबकि ऐसा नहीं है, हिंड लेग छोटा होता है, फोर लेग लंबा होता है। अभी ए सेंटेंस में नहीं आया है, ए आपका पैसेज में नहीं आया है। द इंग्लिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन आल्सो थॉट, अंग्रेजी प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन भी सोचते थे। द जिराफ्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेग्स, जिराफ का असाधारण पैर और गर्दन, मस्ट हैव समथिंग टू डू विद फ्रैगिंग, फ्रैगिंग का अर्थ होता है खाने के लिए भटकना, खाने की खोज करना, निश्चित ही खाने के खोज के कारण ही है। द जिराफ बाई इट्स लॉफ्टी स्ट्रेचर, जिराफ का विशाल कद, मच इलोंगेटेड नेक, अत्यधिक लंबा गर्दन, फोर लेग्स, हेड एंड टंग, हैज इट्स होल फ्रेम ब्यूटीफुली एडॉप्टेड फॉर ब्राउजिंग ऑन द हायर ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, कह रहा है कि जो उसका फोर लेग है, गर्दन है, सिर है, टंग है, पूरा जो है फ्रेम जो है उसका अच्छी तरह से एडॉप्ट है, विकसित है, क्या करने के लिए, ब्राउज पहुंचने के लिए ऑन द हायर ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, जो पेड़ की उच्च शाखाएं हैं। ही रोट इन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज इन 1859, उन्होंने ये चीज किस में लिखा था, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में 1859 में। इन सी आर्ट जिराफ्स लॉन्ग नेक्स आर द रिजल्ट ऑफ जनरेशन अपॉन जनरेशन ऑफ रिपीटेड स्ट्रेचिंग एंड इनहेरिटेंस, संक्षिप्त में जिराफ का लंबा गर्दन परिणाम है जनरेशन अपॉन जनरेशन, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लगातार स्ट्रेच खिंचाव और इनहेरिटेंस यानी कि विरासत में। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, शुष्क मौसम के दौरान, व्हेन फीडिंग कंपटीशन शुड बी मोस्ट इंटेंस, जब फीडिंग यानी खाना भोजन का कंपटीशन प्रतियोगिता रहता है, चरम पर रहता है, जिराफ जनरली फीड फ्रॉम द लो श्रब्स, श्रब्स मीन्स होता है झाड़ी ओड़ी, जो जिराफ होता है नीचे झाड़ियों ओड़ियों से खाते हैं, नॉट टॉल ट्रीज, लंबे पेड़ों से नहीं। What is more, giraffe feed most often and faster with their necks bent. आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जिराफ तेजी से कब खाते हैं, तो उसका आंसर यहीं पे है, What is more, जो अधिक होता है, giraffe feed most, जिराफ अधिक खाते हैं प्रायः और तेजी से खाते हैं, with their necks bent, जब उनका गर्दन कैसा होता है, मुड़ा हुआ होता है। मेल जिराफ ऑफन फाइट फॉर एसेस टू फीमेल्स, जो पुरुष जिराफ होते हैं अधिकतर क्या करते हैं, फाइट करते हैं, प्राय फाइट करते हैं एसेस पहुंच पाने के लिए फीमेल जिराफ का। ए रिचुअल रेफर्ड टू एज नेकिंग, एक प्रक्रिया जो क्या कहा जाता है, नेकिंग कहा जाता है। द राइवल्स स्टैंड फ्लैंक टू फ्लैंक, जो प्रतिद्वंदी होते हैं
एक तरफ खड़े हो जाते हैं, देन स्टार्ट टू वॉक ईच अदर। वॉक मीन्स होता है आपका जोर से चोट मारना, और एक दूसरे को चोट मारना, प्रहार करना स्टार्ट कर देते हैं। किससे? विद देयर हेड, अपने सिर से। द टॉप और बैक ऑफ द वेल और मोल्ड स्कल इज यूज्ड एज ए क्लब टू स्ट्राइक द नेक। जो टॉप होता है या बैक होता है, वेल और मोल्ड खोपड़ी का जो पिछला हिस्सा होता है, किस लिए यूज्ड एज यानी प्रयोग किया जाता है? स्ट्राइक यानी चोट पहुंचाने के लिए, नेक, चेस्ट, रिब्स और लेग्स ऑफ द अपोनेंट, विरोधी के नेक, चेस्ट, रिब्स और लेग्स को पर आक्रमण करने के लिए विद ए फोर्स बल के साथ, कैपेबल ऑफ नॉकिंग ए कंपटीटर ऑफ बैलेंस और अनकॉन्सियस। कैपेबल यानी क्षमता होता है नॉकिंग अपने प्रतिद्वंदी को ऑफ बैलेंस, बैलेंस बिगाड़ने में और बेहोश करने में। द लार्जेस्ट मेल्स यूजुअली विन दीज बैटल्स। एक जगह आपका आया था कि लार्जेस्ट मेल जो होते हैं अधिकतर बैटल जीतते हैं, सही है। एंड डू मोस्ट ऑफ द ब्रीडिंग, और मोस्ट ऑफ द ब्रीडिंग यही करते हैं। एक किसने कहा था? एनी इनिस डैग ने कहा था, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू इन ओंटारियो, ओंटेरियो कनाडा। Who has been studying giraffe since the 1950s? वो कब से पढ़ रही हैं has been giraffe के बारे में? 1950 से। The other giraffe don't get much breeding opportunity. जो और giraffe होते हैं उनको breeding का ज़्यादा opportunity नहीं मिलता है। अब हम लोग देखेंगे question number 48 से passages पढ़ने के बाद। अब जो है आपको क्या पूछा था? जिराफ फीडिंग इज फास्टर व्हेन इट फीड्स विद इट्स स्नेक। कब फास्ट हो जाता है? जब वह छोटी पत्तियों को और नीचे अपना गर्दन मोड़ के खाता है, बेंट करके खाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू टू पैसेज। तो आपने देखा था कि उनका अगला पैर लंबा होता है, पिछला पैर लंबा नहीं होता। By pulling the legs of the opponent, तो क्वेश्चन क्या है? How does a giraffe knock its opponent off balance or unconscious? तो कब, कैसे अपने हेड का प्रयोग करते हैं क्या? By using its head as a club and hitting the opponent, अपने विरोधी पे वार करके, प्रहार करके, ठीक है। कैसे यूज करते हैं? एज ए क्लब यूज करते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका तीन क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका आंसर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। द टॉप और बैक ऑफ द वेल आर्मर्ड स्किल इज यूज्ड एज ए क्लब टू स्ट्राइक अपोनेंट, किसको? विरोधी पे हमला करके। तो ये फ्रेंड्स आपका मिनी मॉक टेस्ट 1 का जो है एक्सप्लेनेशन था। थैंक यू।